जेडीयू के बीच में वार पलटवार तेज है। गठबंधन टूटने के बाद पहली बार पटना आए बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने नीतीश को निशाने पर रखा। उन्होंने बिना नाम लिए ही नीतीश को जमकर नसीहतें भी दी। जवाब देने में नीतीश भी पीछे नहीं रहे। बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता टूट गया है, लेकिन इसे पुरानी दोस्ती का लिहाज कहेंगे कि बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह नीतीश पर सीधा हमला बोलने से बचे, लेकिन इशारों में वार करने से कोई परहेज नहीं किया। आगे बढ़ते चलेंगे, कारवा बनता चलेगा, चिंता मत करें। पॉलिटिकल पार्टी देश की जनता की नब्ज पर बराबर अपनी अपना हाथ रखे रहती है, आप चिंता मत कीजिए। नरेंद्र मोदी के नाम पर गठबंधन तोड़ने वाले नीतीश कुमार से राजनाथ ने सीधे पूछा कि मोदी तो आपकी पसंद थे, फिर जब उन्हें आगे किया तो ये नाराजगी किस बात की? बार बार जो नरेंद्र जी मोदी का नाम आता क्यों? भाई हमारे कुछ मित्रों ने 2003 में ही यह कहा था कि अब आपको यहाँ की राजनीति से निकलकर देश की राजनीति में आना चाहिए, कहा था। अब यह किसने कहा था? आप तो बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन उस मनोरथ को, उनके मनोरथ को हम लोगों ने पूरा कर दिया। राजनाथ ने साफ कहा कि नीतीश कांग्रेस की साजिश में फंस गए हैं, और जब जब चुनाव का अवसर आता है तब तक बराबर कांग्रेस गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले प्रारंभ कर देती है। मैं देश के सारे विपक्षी नेताओं को भी यह बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की इस स्ट्रेटेजी को हम सबको समझने की आवश्यकता है। बीजेपी अध्यक्ष ने नीतीश पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उनका रुख गैर कांग्रेसवाद को एक झटका है, जिसकी असली लड़ाई बीजेपी लड़ रही है। जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों चाहते गैर कांग्रेसी राजनीतिक दलों को एकजुट होना चाहिए, यही चाहते थे, तो हम तो उनकी गुलाब को पूरी करते हुए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की गुलाब को पूरी करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की समकक्ष एक राजनीतिक पार्टी के रूप में लाकर इस देश में हमने खड़ा कर दिया है। ये उन्हीं की गुलाब को हम पूरा कर रहे हैं। नीतीश कुमार को राजनाथ ने जवाब भी दिया। नीतीश बार बार बीजेपी से पूछ रहे हैं कि अपने दम पर आखिर वो 273 सांसद कहां से लाएगी। अब जरा इसका जवाब सुनिए। एक्चुअली मुझे एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है, मैं नंबर ऑफ सीट के संबंध में फोरकास्ट कर सकूं चुनाव के पहले, उसके लिए कुछ लोग करते हैं ज्योतिष के आधार पर, लेकिन उसकी जानकारी मुझे नहीं है। राजनाथ नीतीश को नसीहत देने से भी नहीं चुके, दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि घाव को कुरेदेंगे तो जख्म बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी भय नहीं, अल्पसंख्यकों में भरोसा पैदा करना चाहती है। बीजेपी का कंसेप्ट बहुत क्लियर है कि हम सेंस ऑफ फियर पैदा करके हम माइनॉरिटीज का वोट हासिल नहीं करना चाहते, बल्कि एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस उनके अंदर पैदा करके हम उनका समर्थन और विश्वास हासिल करना चाहते हैं। वैसे 2002 के पहले भी लगभग 13,900 कमल राइट्स इस देश भर में हुए, कब तक सारे कमल राइट्स को हम याद करते रहे, तब तक हम घाव को कुरेदते रहे, घाव को यदि हम कुरेदते रहे।